गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का डेट है 15 नवंबर 2021। आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं वो है IGL, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। फिर बात करेंगे एपेक्स फ्रोजन की, प्रॉफिट बुकिंग रेगुलर बेसिस पे क्यों ज़रूरी है। फिर बात करेंगे बजाज कंज्यूमर, इतना अच्छा करेक्शन के बाद क्या इसमें अभी एंटर करना चाहिए या और भी करेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप इन तीनों शेयर में किसी पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। और वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलता है जो आपको शेयर एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करेगा। मेरे चैनल की USP ये है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल की दूसरी बड़ी USP ये है कि मैं यहाँ पे हर फ्राइडे सैटरडे संडे मंथली प्रीव्यू बनाता हूँ। इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर वो इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उनको हर महीने इन शेयर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपडेट होते रहते हैं। और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मंथली प्रीव्यूज़ के कोई भी 10 वीडियो निकाल के चेक कर सकते हैं। साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब बात करते हैं आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं, बट उससे पहले आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर जरूर देखिए जहां पिछले महीने इन्हीं तीनों शेयर्स का मैंने मंथली प्रीव्यू किया था। बात करेंगे IGL की, IGL कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर जरूर देखिए। IGL का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 11 अक्टूबर 2021, जब इसकी क्लोजिंग थी 514.45 रुपीज़। सपोर्ट दिया था 480 का, सपोर्ट टू 510, सपोर्ट 3535, रेजिस्टेंस 1560, रेजिस्टेंस 2585 और रेजिस्टेंस 3 था 610। IGL आज के डेट पर अगर आप देखेंगे 15 नवंबर 2021 को इसकी जो क्लोजिंग है 504.85 है, स्टिल ये 200 DEMA के नीचे है। और अभी के टाइम पे सपोर्ट लेवल है इसका 450 का, सपोर्ट 2475, सपोर्ट 3500, रेजिस्टेंस 1525, रेजिस्टेंस 2550 और रेजिस्टेंस 3 है 575। हाइस्ट अगर आप इसका देखेंगे ये है 523.90 और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो है 454.00। काफ़ी अच्छा चांस मिला था आपको IGL में इसको अगर बाई करना था। अब बात करेंगे एपेक्स फ्रोजन की, एपेक्स फ्रोजन कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर ज़रूर देखिए। एपेक्स फ्रोजन का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 11 अक्टूबर 2021 को, जब इसकी क्लोजिंग थी 306.10 रुपीज़। सपोर्ट दिया था 250, सपोर्ट 2275, सपोर्ट 300, रेजिस्टेंस 1 भी था 300, रेजिस्टेंस 2330 और रेजिस्टेंस 3 था 360। एपेक्स प्रोजेन आज के रेट पे 15 नवंबर 2021 ऑन 200 DEMA पे है, इसके लिए ऑरेंज कलर है। 285.25 की इसकी जो क्लोजिंग है, सपोर्ट देखेंगे सेम है 250 का पहला सपोर्ट, 275 दूसरा सपोर्ट, 300 तीसरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी है 300, रेजिस्टेंस 2330 और रेजिस्टेंस 3 है 360। हाइस्ट अगर आप इसका देख रहे हैं ये 320.65 है और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो 259.65 है। अब बात करेंगे बजाज कंज्यूमर की, बजाज कंज्यूमर कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे ज़रूर देखिए। बजाज कंज्यूमर का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 11 अक्टूबर 2021 को, जब इसकी क्लोजिंग थी 259.65। सपोर्ट 1 दिया था 220, सपोर्ट 2240, सपोर्ट 3260, रेजिस्टेंस 1280, रेजिस्टेंस 2300 और रेजिस्टेंस 3 था 320। बजाज कंज्यूमर आज के डेट पे यानी कि 15 नवंबर 2021 को इसकी जो क्लोजिंग है 208.10 है, सपोर्ट 1180, सपोर्ट 2200, सपोर्ट 3220, रेजिस्टेंस 1220, रेजिस्टेंस 2240 और रेजिस्टेंस 3 है 260। हाइस्ट अगर आप इसका देख रहे हैं ये 270 है और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो 207.60 है। तो अगर आप इनमें से किसी भी शेयर पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट IGL ऑन सपोर्ट है। IGL के मेरे वीडियो जो भी रेगुलरली देख रहे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा अगर वो लोग 500 पे खरीद के 560-570 के में सेल किया रहेगा, अच्छा खासा करेक्शन पे फिर से मिला था 500। आई थिंक 2-3 बार लोगों ने बेनिफिट लिया रहेगा। एपेक्स फ्रोजन सेम चीज़ है और बजाज कंज्यूमर ऑफकोर्स आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। कंपनी वाइज मैंने पहले भी बोला है फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। आप खुद देखिए, कोई भी अच्छी कंपनी हो रिजल्ट अच्छे आए ख़राब आए, बट जब उसको ऑपरेटर
ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उस पर अच्छी खासी करेक्शन हो जाती है। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सपोर्ट लेवल्स पे ही आपको शेयर्स बाई करने का सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पे फॉरवर्ड कीजिए जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।